चलो भाई आप लोग हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे बोहर मॉडल्स के, ठीक है। तो पहले हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, या तो ऐसे लिख लो क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक रेडियस से रिलेटेड, एक वेलोसिटी से रिलेटेड और थर्ड एनर्जी से रिलेटेड। लिख लीजिएगा कि किस फर्स्ट टाइप में क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। लिख लो भाई क्वेश्चन रिलेटेड टू रेडियस। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, रेडियस से, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लो रेडियस का फॉर्मूला, स्मॉल r बराबर 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का फॉर्मूला है। कुछ लोग ऐसे भी r बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी r बनाते हैं, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, या इसी को ऐसे भी लिख सकते r बराबर a नॉट n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, या फिर r बराबर 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कोई भी आप फॉर्मूला नोट कर सकते हो, इतने तरह के हो सकते हैं। या तो पहला वाला हो जाए रेडियस बराबर 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, या फिर दूसरा हो सकता है रेडियस बराबर a नॉट n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, या फिर थर्ड हो सकता 0.53 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन से लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा कि भाई कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, बोहर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, ठीक है। इसमें ये देखो कि भाई पहले हर फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, ठीक है, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। मान लेते हमको फोर्थ भी पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोर्थ भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले के लिए भाई 0.529 इंटू एन स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर कीजिए, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर बाई बाई जेड। यदि हाइड्रोजन एटम है, वन 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 वन, रेडियस है तो यूनिट देखेंगे एंगस्ट्रॉम 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 एंगस्ट्रॉम। अब देखो इसमें जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा 4 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम
9 into 0.5 16 into 0.529 is now. अब देखो हम करेंगे क्या, उसको जो कम टाइम के 0.53 मान लेंगे, कितना 0.53 फर्स्ट, वन से मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा 0.53। अगर इसे वो कितना है, फोर्थ ना, फोर से मल्टीप्लाई कर 0.53 इंटू फोर, फोर थ्री जै 12, फोर फाइव जै 20 और 121, फिर ये लेगा 2 का स्टॉक, थर्ड में कितना भाई 9, 0.53 इंटू 9 से कर लो, 9 थ्री जै 27, 9 फाइव जै 45 और 2 47 लेगा 4.77 का स्टॉक, फोर्थ में क्या लेगा 16, 0.53 इंटू 16 कर लीजिए, कितना देगा भाई 48, 84 8.48 आएगा स्टॉक, देख लो ऐसे 0.52 आएगा स्टॉक, 2.12 आएगा स्टॉक, 4.77 आएगा स्टॉक और 8. आएगा स्टॉक। इस तरह से आप किसी भी एटम का निकाल लो, नोट कर लो इसको, यहाँ की स्पेस कम था इसलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, देखो आप बस एंगल्स कम लगा देंगे, नोट कर लो भाई साहब लोग अच्छे से। तो नोट हो गया भाई, नोट कर लो आप लोग, देखो इसमें कुछ है नहीं रेडियस में, ये फार्मूला एनसीईआरटी में भी दिया है, ठीक है, बट एक फार्मूला आप छोड़ देते हैं, ठीक है, चलो मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे ये मान लो रेडियस आर वन है, ठीक है, ये एन वन हो गया, ये जेड वन हो गया, अगर हम इसे लिखे आर टू 0.529 एन टू का स्क्वायर बाई जेड टू, ऐसे डैश डैश मान लो ना, सबसे अच्छा रहेगा डैश, एन डैश का स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड डैश हो जाएगा, ठीक। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला लिखा था भाई, अगर हमको रिलेशन निकालना आर वन बाई आर डैश में, आर वन बाई आर डैश में, देखो रिलेशन कैसे निकालोगे आप लोग, पहले ऊपर में देख लो 529 इंटू एन वन का स्क्वायर बाई जेड एंगल स्टॉन अपन अपन जीरो पॉइंट 529 एन टू का स्क्वायर बाय जेड टू, चाहे डैश मान लो एन टू की जगह डैश मान लो, एन डैश जेड डैश, जब इक्वेशन वन बाई इक्वेशन टू करेंगे तो देखो ये कट जाएगा, बचेगा यहां से क्या, आर वन बाई आर डैश इजकल टू एन वन का स्क्वायर बाई जेड इंटू जेड डैश बाई एन डैश का स्क्वायर। इसका एक सिंपल तरीका देखो ये लिखने का, आर वन बाई आर डैश इजकल टू एन वन का स्क्वायर बाई एन डैश का स्क्वायर इंटू जेड डैश बाई जेड, ठीक है, यानी
एन वन बाई एन टू तो जेड टू बाई जेड वन, यही चीज ऐसे लिख सकते हो भाई। मान लो एन वन का स्क्वायर अपन एन टू का स्क्वायर इन टू जेड टू बाई जेड वन ऐसे लिख सकते हो, या फिर आर डैश में ऐसे लिख सकते हो। अगर हमसे रेशियो पूछेगा फिर इस फॉर्मूले से लगाए किसी भी एटम का, अगर रेडियस पूछेगा तो किसी एटम का हम इस फॉर्मूले से लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये मिटा देते हैं फिर। अब देखो अगर ऑर्बिट सेम है एन से एन कट जाएगा, यदि एटम सेम होगा जेड से जेड कट जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, कौन सेम है। इतने का क्वेश्चन टू, सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, कैलकुलेट कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन इसलिए लिख रहे क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ना ये, इसलिए बेरिलियम आयन एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, लिथियम पे टू प्लस है लिथियम आयन। तो देखो फिर पहले फॉर्मूला लिख लो भाई कि आर पहला रेडियस किसके लिए, बेरिलियम के लिए, और दूसरा रेडियस क्या है लिथियम प्लस टू के लिए, ये हो गया आर वन बाई आर टू। फॉर्मूला हो जाएगा बेरिलियम के लिए एन वन का स्क्वायर अपन एन टू का स्क्वायर इंटू जेड टू अपन जेड वन। अगर देखो एन वन क्या है ये इसमें यानी इसी तरह से एन वन इजकल टू थ्री जेड वन इजकल टू फोर, फिर ऐसे लिख सकते एन टू इजकल टू फाइव जेड टू इजकल टू थ्री। बोलो भाई भाई ऐसे लिख लेंगे इस साइड में, इसको उठा के आप पुट कर दीजिए। देखिए भाई एन वन से कितना है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर कर दो यहाँ पे अपन एन टू का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर इंटू जेड टू थ्री अपन जेड वन फोर, ये हो जाएगा देखो ऐसे थ्री थ्री जा नाइन इंटू थ्री अपन ट्वेंटी फाइव इंटू फोर, हो जाएगा ट्वेंटी सेवन अपन हंड्रेड, ये रेशियो हो जाएगा 27 अपॉन 100, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम रेडियस से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, और भी कुछ रिलेशंस होते हैं रेडियस के तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको, बट पहले आप इतना नोट कर लो